जो अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट सब टॉपिक की जिसका नाम है फ़िशरीज फिशरीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि डिपेंडेंट है कैचिंग पे प्रोसेसिंग पे और सेलिंग पे फिशेस की शेल फिशेस की और बाकी सारे एक्वाटिक एनिमल्स की फिर अगर हम बात करें हमारी पॉपुलेशन की तो हमारी पॉपुलेशन खाने के लिए बहुत सारे फ़िश और फिश प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है फ़िश और फिश प्रोडक्ट्स के अलावा और वो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट है जैसे कि हम बात करते हैं प्रॉन की क्रैप लोबस्टर एंड एडिबल ओइस्टर। तो फ़िश और फ़िश प्रोडक्ट्स के अलावा हमारे पास एकुटिक एनिमल्स बहुत सारे हैं जिन्हें हम एज ए फूड कंज्यूम कर सकते हैं तो अब हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट फिशेस की जो कि हमें मिल रही है फ़्रेश वाटर में तो फ्रेश वाटर फिशेस की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एक है हमारे पास कटला एक है हमारे पास रोहू और एक है हमारे पास कॉमन कार ये तीन ऐसी इम्पॉर्टेंट फिशेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है और ये मिलती है फ्रेश वाटर में वहीं अगर हम बात करें मरीन वाटर की तो मरीन वाटर में भी ऐसी बहुत सारी फिशेस मिलती हैं जिन्हें हम मरीन फिशेस के नाम से जानते हैं मरीन वाटर यानी सॉल्टी वाटर ऐसा पानी है जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो चलते हैं मरीन फिशेस के बारे में जानते हैं तो जो कॉमनली अवेलेबल मरीन फिशेस है उसमें से एक का नाम है हिल्सा दूसरी मरीन फिश है हमारे पास सार्डींस तीसरी मरीन फिश है मैकरेल और जो फोर्थ नंबर पे है वो है पॉम्फ्रिट्स तो ये चारों कॉमनली कंज्यूम्ड मरीन फिशेस हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं तो बच्चों फ़िशरीज़ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत ज़्यादा इनकम हमारे लिए डेवलप की है और इनकम के साथ साथ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दिया है दूसरा बहुत सारे फ़िशरमैनस और बाकी लोगों के लिए ये जो फ़िशेस और एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फ़ूड के लिए तो अब हम आगे बात करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इंक्रीजिंग डिमांड है पॉपुलेशन इतनी तेज़ स्पीड से ग्रो करती जा रही है तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स की ज़रूरत थी जो कि हमारे फिश प्रोडक्शन को इनक्रीज़ सके और ऐसी टेक्निक्स जो कि फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके उसमें से एक है हमारे पास एक्वा कल्चर और दूसरी है हमारे पास पिसी कल्चर अगर मैं बात करूं एक्वा कल्चर की तो एक्वाकल्चर हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे कल्टिवेशन में मदद करती है एक्वेटिक प्लांट्स की और उसी के साथ साथ एक्वेटिक एनिमल्स की तो अगर एक... एक्टिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स दोनों का कल्टीवेशन हो रहा है तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं एक्वा कल्चर वही अगर हम बात करें दूसरी टेक्निक की जिसको हम बोल रहे हैं पिसी कल्चर तो पिसी कल्चर सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है हमारी फ़िश फार्मिंग से तो सिर्फ और सिर्फ फ़िश का फार्मिंग हो रही है उनका मेनटेनेंस किया जा रहा है और अल्टीमेटली उसको यूज़ किया जा रहा है ये आएगा हमारा पिसी कल्चर में तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक इमेज है जिसमें एक्वाकल्चर दिखाया गया है इस एक्वाकल्चर वाले एरिया में हम एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स दोनों को कल्टिवेट कर सकते हैं वहीं अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें पिसी कल्चर से तो आप देख पा रहे हैं एक ऐसा एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़िश को मेनटेन किया जा रहा है और कल्टिवेट किया जा रहा है तो ये एक मेजर डिफ्रेंस हो जाता है हमारा एक्वाकल्चर और पिसी कल्चर में तो इसी एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर की वजह से हमारा जो सी फूड है चाहे वो फिशेस हो या बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स हो, इन सब का प्रोडक्शन बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ा है और ग्रो किया है और इसी इन टेक्निक की वजह से जो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हमें सी फूड में देखने को मिला है इसको हमने एक नाम दिया है जिसे हम बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन या इसे हम हिंदी में बोलते हैं नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन एक सडन इंक्रीज़ था एक फुल स्पीड से जो सी फूड का प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ जो इतनी ज्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन को आसानी से सी फूड अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड करा पा रहा था इस चीज को हमने नाम दिया ब्लू रेवोल्यूशन तो बच्चों क्या आप रेडी हैं एक चैलेंज के लिए चलते हैं एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फिश ऑप्शंस हैं ए कटला बी हिलसा सी सार्डीन डी मैकरल तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक फ्रेश वाटर फिश को पहचानना है हम यहाँ पर वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज करेंगे जिसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर है ए कटला कटला हमारी एक फ्रेश वाटर फिश है जैसा कि अभी हमने पहले देखा था और बाकी सारी फ़िश जैसे कि हिलसा सार्डीन मैकरल ये सारी हमारी मरीन वाटर फिशेज़ हैं और इसी तरीके से हमारा फर्स्ट टॉपिक एनिमल हजबेंड्री यहाँ पर ख़त्म होता है अब हम यहाँ पे समरी या नोट मेकिंग देखेंगे समरी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं हमारी समरी का पहला पॉइंट है विथ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन्हांसमेंट ऑफ़ फ़ूड प्रोडक्शन इज़ अ मेजर नेसेसिटी जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो फ़ूड की रिक्वायरमेंट है जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट और डिमांड आई है दूसरा पॉइंट है एनिमल हजबेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक लाइक बफेलोज काउस पेग हॉर्सेस, कैटल, शीप एंड गोट्स तो एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम ब्रीडिंग की और लाइफ स्टॉक को रेस करने की बात करते हैं लाइफ स्टॉक जैसे कि बफेलोज काउस पेग्स हॉर्सेज कैटल शीप एंड गोट्स थर्ड पॉइंट है एनिमल हजबेंड्री आल्सो इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फ़िशरीज विच इंक्लूड रेयरिंग कैचिंग सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फ़िश मॉलस्क यानी शेल फिश प्रॉन्स क्रैप एक्सेट्रा तो एनिमल हजबेंड्री में हम लाइफ स्टॉक के अलावा पोल्ट्री फार्मिंग की भी बात करते हैं और फिशरीज की भी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंज़म्पशन। डेरिंग एज ऐसा मैनेजमेंट है एनिमल्स का जिसमें हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं और बाकी सारे प्रोडक्शंस की बात करते हैं मिल्क से रिलेटेड जो कि ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई ईल्डिंग पोटेंशियल कम्बाइंड विथ रेजिस्टेंस टू डिजीजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमें ऐसी अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करनी है जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वो डिजीजे से भी रेजिस्टेंट हो सिक्स पॉइंट है पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फ़ाउल यानी बर्ड्स लाइक चिकन डक्स टर्की एंड गीज विच इज़ यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स तो पोल्ट्री एक ऐसी क्लास है जिसमें हम बर्ड्स की बात करते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं या तो फूड यानी मीट के लिए या उनके एग्स के लिए सेवेंथ पॉइंट है अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस फीचर साइज कॉन्फिगरेशन एक्सेट्रा आर सेट टू बिलोंग टू अ ब्रीड यानी ब्रीड एक ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो कि रिलेटेड है अपने एनसेस्टर्स से और बहुत सारे कैरेक्टर्स में मोस्ट सिमिलर हैं जैसे कि अपियरेंस साइज कॉन्फिगरेशन एक्सेट्रा अब हम यह वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स अपने कॉपी में आसानी से लिख लें इसके बाद आगे के पॉइंट्स हैं पॉइंट नंबर एट इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर फोर टू सिक्स जनरेशंस इन ब्रीडिंग एक ऐसा मेटिंग का प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो फोर टू सिक्स जनरेशन तक क्लोजली रिलेटेड है और उनके बीच में हम मेटिंग करा रहे हैं पॉइंट नंबर नाइन इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज़ होमोजाइगोसिटी दस इट इज़ नेसेसरी इफ़ यू वॉन्ट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल इन ब्रीडिंग हमारी होमोजाइगोसिटी को इम्प्रूव करता है और इनक्रीज़ करता है और अगर हमें किसी एनिमल की प्योर लाइन बनानी है तो हमें इन ब्रीडिंग को फॉलो करना चाहिए पॉइंट नंबर टेन कंटिन्यूस क्लोज इन ब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर कंटिन्यूस क्लोज इन ब्रीडिंग हम कराएंगे तो अल्टीमेटली ये हमारी फ़र्टिलिटी को रिड्यूस करेगा फ़र्टिलिटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा और इस चीज़ को हमने बोला इन ब्रीडिंग डिप्रेशन point number 11 outbreeding is the breeding of unrelated animals between individuals of same breed but having no common ancestor or between different breeds jessie crossbreeding or different species like interspecific hybridization point number 12 controlled breeding experiments are carried out using artificial insemination point number 13 टू इम्प्रूव द चांसेज ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जिसे हम एम ओ ई टी भी बुलाते हैं इज यूज फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट पॉइंट नंबर फोर्टीन बी कीपिंग या एपीकल्चर इज द मेन्टेनेंस ऑफ बी हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी अब हम यह वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लें समरी या नोट मेकिंग में आगे के पॉइंट्स हैं पॉइंट नंबर फिफ्टीन फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज सेलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर बी हाइव कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स मैनेजमेंट ऑफ़ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बीज वैक्स इज़ मस्ट point number 16 have fishery is an industry devoted to the catching processing or selling of fishes shellfishes and other aquatic animals point number 17 freshwater fishes include cutler, rohu common carp and marine fishes include hilsa sardines mackerel pomfrets पॉइंट नंबर एटीन जो कि लास्ट पॉइंट है समरी का ब्लू रेवोल्यूशन इज द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स हम यहाँ वीडियो को अब दो मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स आसानी से कॉपी में लिख लें ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने हैं एनसीआरटी के क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और जो वर्कबुक है उसके क्वेश्चन वन फाइव सिक्स का फर्स्ट पार्ट एंड सेवेंथ